Good morning, students. So now today we will start with poster making. आपका जो class 12th board में जो question number 3 आता है, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया, चार आपके topics हैं, notice writing, advertisement writing, invitation and fourth one is poster making. जब आपके board में question पूछा जाता है, चार में से आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं और दो वो आपकी कोई सी भी हो सकती है. तो इसी संदर्भ में आज हम फोर्थ जो टॉपिक है पोस्टर मेकिंग, जो आपके एग्जाम में 4 marks का आता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज पोस्टर मेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए पोस्टर. सबसे पहले हम जानेंगे कि पोस्टर होता क्या है. तो देखिए, पोस्टर क्या होता है. ए पोस्टर इज ए वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एन अनाउंसमेंट. पोस्टर जो होता है एक बहुत ही उपयोगी साधन होता है एक घोषणा करने का और अपील करने का, इश्यूइंग ए नोटिस, एक नोटिस जारी करने का, एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन देने का, और ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस ऑन एनी इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, या किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इशू को के से रिलेटेड कोई अवेयरनेस, अगर हम जागरूकता लाना चाहते हैं लोगों में, उससे संबंधित हम पोस्टर जारी करते हैं. अब जैसे हमारे न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि बहुत सारे पोस्टर्स आते हैं, वो सभी तरह से होते हैं. किसी भी वस्तु का अगर हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उसके लिए हम पोस्टर एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, और या फिर हम किसी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, या कोई हम नई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं उसके लिए भी हम पोस्टर जारी करते हैं, या फिर हमें पल्स पोलियो अभियान है या उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें जागरूकता से संबंधित जितने भी जो उपयोगी सामग्री हैं वो हम पोस्टर के अंतर्गत लाते हैं. ए पोस्टर शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव एंड रीडेबल. एक पोस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो विजुअली जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड रीडेबल, और पढ़ने योग्य होना चाहिए फ्रॉम ए डिस्टेंस, कि हम उसे एक निश्चित दूरी से भी अच्छे से पढ़ सकें. दे आर एक्सटेंसिवली यूज बाय NGO, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा. ये अधिकतर जो यूज किए जाते हैं NGO के द्वारा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनके द्वारा भी तो मोस्टली जो पोस्टर हैं वो जारी किए जाते हैं. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 4 number का जो आपका पोस्टर मेकिंग होता है उसका आपका ब्रेकअप किस तरह का है. जब आपको एग्जाम में पोस्टर मेकिंग का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो उसमें जो आपको मार्किंग दी जाती है, किस हिसाब से मार्किंग की जाती है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दिया है. सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मेट की. जब आप पोस्टर मेकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट में आपका टाइटल, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ये इंक्लूड होगा उसमें. आपको अगर आप बिल्कुल सही लिखते हैं टाइटल और नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको 1 marks मिलेगा. कंटेंट का आपको 2 marks. कंटेंट मतलब विषय वस्तु, जिस संबंध में आपने पोस्टर जारी किया है उससे संबंधित सभी सामग्री अगर आपने उसमें लिखी है, सभी आवश्यक सूचनाएं, सभी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने आपने मेंशन की हैं, तो उस कंटेंट के आपको 2 marks मिलेंगे. थर्ड वन इज एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी यानी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग एक्यूरेसी है तो उसका भी आपको 1 marks मिलेगा. अगर आपको आपके ग्रामेटिकल कोई एरर है या स्पेलिंग से रिलेटेड कोई एरर है तो उसका आपका 1 number काट दिया जाता है. अब बात करेंगे टिप्स टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन ऑन पोस्टर मेकिंग, कि जो पोस्टर मेकिंग का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है उसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एसेंशियली ए वेरी ब्रीफ कम्युनिकेशन विद ए कंपेलिंग विजुअल. कि सबसे ज़्यादा ब्रीफ कम्युनिकेशन अगर देना है, कंपेलिंग विजुअल प्रदर्शित करना है, उसके लिए हम क्या जारी करते हैं, पोस्टर जारी करते हैं. एंड पावरफुल मैसेज, अगर कोई हमें बहुत ही पावरफुल मैसेज देना है, पोस्टर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद ए पर्टिकुलर टारगेट इन माइंड. तो पोस्टर जब भी हम तैयार करते हैं तो हमारा एक विशेष टारगेट होता है, हमारा माइंड सेटअप होता है कि हमें इससे संबंधित ही रिलेटेड एक पोस्टर जारी करना है, और हमें क्या क्या उसमें सामग्री देनी है जिससे पाठकों का ध्यान हम उस गतिविधि की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो सके, या जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनका पूरा अट्रैक्शन उस पोस्टर की ओर पूरी तरह से जा सके. तो इस तरह का टारगेट हमें पहले से सेट करना है. जब भी हम पोस्टर बनाना चाहेंगे तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट,
इट इज़ वेरी क्लियरली mentions द थीम और द टॉपिक. जिस भी टॉपिक पे या थीम पर हम पोस्टर जारी करना चाहते हैं वो पूरी तरह से क्लियरली mention होना चाहिए. द schedule ऑफ एन इवेंट, अगर आप किसी इवेंट से रिलेटेड कोई पोस्टर जारी कर रहे हैं तो उसका schedule आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और आपको क्लियरली उस पोस्टर में भी mention करना चाहिए. एंड द रेस्पेक्टिव ओकेजन, या कोई अवसर है, कोई जैसे एग्जीबिशन होना चाह रहा है या फिर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाला है तो उसका पूरा स्केड्यूल आपके सामने होना चाहिए. इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, और ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं. एन अपील फॉर अवेयरनेस और सपोर्ट, एक ऐसी अपील जिससे जिसके मतलब जिसमें आप कोई अवेयरनेस यानी जागरूकता लाना चाहते हैं, सपोर्ट, हेल्प और एक्शन, ए वार्निंग और ए कॉशन या कोई सावधानी, इनसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, कोई जागरूकता से, किसी सपोर्ट से रिलेटेड कोई हेल्प है या कोई एक्शन है या कोई वार्निंग है या कोई कॉशन, कॉशन मतलब सावधानी है, उससे रिलेटेड अगर आप पोस्टर बना आप जारी कर सकते हैं. इन द फॉर्म ऑफ एन इनविटेशन लाइक पोस्टर्स फॉर कार्निवल्स, अगर आप किसी इनविटेशन फॉर्म में, अगर आप इनविटेशन फॉर्म के रूप में अगर कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं तो वो आपका रिलेटेड हो सकता है कार्निवल्स, फेस्ट या एग्जीबिशन से रिलेटेड. वर्कशॉप या सेमिनार से रिलेटेड भी आप पोस्टर जारी कर सकते हैं. अब मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेट बताया कि जब भी आप एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाएंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें पूरी तरह से मेंशन होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए. सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी किस विभाग के द्वारा या किस डिपार्टमेंट के द्वारा या किस कम्युनिटी के द्वारा वो पोस्टर जारी किया जा रहा है. इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम सबसे पहले आएगा. फिर अगर आप कोई टैगलाइन देना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए आपके यहाँ पे एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने वाले, तो एग्जीबिशन की क्या टैगलाइन है वो आप यहाँ टैगलाइन मेंशन करेंगे. उसके बाद टाइटल या नेम ऑफ द इवेंट, क्या आपने टाइटल दिया है उस प्रोग्राम को या आप जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है वो आप लिखेंगे. एग्जीबिशन है या वर्कशॉप है उससे रिलेटेड आपने क्या नाम रखा है. सपोज करिए कोई पेंटिंग एग्जीबिशन है, ठीक है, तो आप पेंटिंग एग्जीबिशन लिख देंगे, या वर्कशॉप है किसी से रिलेटेड तो उसका नाम लिखकर वर्कशॉप लिखेंगे. इस तरह से आपको टाइटल या नेम ऑफ द इवेंट जरूर मेंशन करना है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्पेशल अट्रैक्शंस. अब जो भी एग्जीबिशन या जो इवेंट होने वाला है या कोई डांस प्रोग्राम होने वाला है या फिर अदर कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होने वाली है उसके इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस क्या हैं, उसकी स्पेशल अट्रैक्शन विशेष आकर्षक चीज़ें क्या हैं. सपोज करिए कोई मेला आयोजित होने वाला है तो मेले में सर्कस वाला आने वाला है या फिर जो झूले लगने वाले हैं या फिर कोई मैजिकल शो होने वाला है वो आपके उस प्रोग्राम के स्पेशल अट्रैक्शंस होंगे, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे. उसके बाद दिया गया है इलस्ट्रेशंस विद ए कैप्शन, आपको उन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शंस भी देना, इलस्ट्रेट करना है, वर्णन करना है. अब जो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो एग्जीबिशन होने वाली है, जो वर्कशॉप होने वाली है या कोई भी इवेंट जो ऑर्गेनाइज होने वाला है वो कब होने वाला है, मतलब आपको डेट, टाइम, वेयर मतलब प्लेस, कहाँ पर ऑर्गेनाइज होना है एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मेंशन करनी है. तो ये आपका पूरी डिटेल्स पूरा लिखने के बाद इसको आपको एक बॉक्स में बंद जरूर करना है. इस बॉक्स का भी आपका आधा नंबर इसमें एड है. तो ये आपका पोस्टर मेकिंग है कि पोस्टर लिखते समय पोस्टर सबसे पहले होता क्या है, इसके संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, पोस्टर क्यों जारी किए जाते हैं, किन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए जारी किए जाते हैं और पोस्टर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. यहाँ मैंने आपका जो मार्किंग स्कीम है पोस्टर मेकिंग की वो आपको यहाँ बताई है और ये पोस्टर मेकिंग का फॉर्मेट है कि पोस्टर बनाते समय किस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है वो आपको पूरा यहाँ बताया गया है. अब पोस्टर बनाते समय ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए और जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.